नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंशिका डिजाइनर। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ उषा ड्रीम मेकर 120 का डेमो वाला वीडियो। तो इसमें क्या है, ये वाला जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड है, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो मशीन है उषा ड्रीम मेकर 120 है और ये ऑटो सीविंग मशीन है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन है, जैसे ऑटो थ्रेड कटिंग है, ट्विंस डबल नीडिल है, और आप इसमें भी देख सकते हैं जिग जैग, रिवर्स है, स्टॉप पॉइंट है, और ये जो नीचे में आप पॉइंट देखेंगे, ये देखिए इसमें सबसे जो 3.2 के बाद अगर नीचे आप देखेंगे, इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों लिखा है। तो इसके ऐसे भी आप सीख सकते हैं, जैसे स्टार्ट करके शुरू कर सकते हैं, स्टॉप बटन दबा के तुरंत बंद भी कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या दिक्कत होता है, जब हम लोग सिलाई करते हैं तो दोनों हाथ का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए अगर एक भी हाथ छूट जाता है तो फिर क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो साइड में हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, दोनों हाथ को यूज करती हूँ। इसमें क्या करती हूँ, फुट पैडल का यूज करती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें आप भी कैसे फुट पैडल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। इसमें दो केबल आते हैं, देखिए ये जो है पावर केबल है, इसको हम लोग पावर के साथ लगाते हैं। ये सेपरेट है पूरा, फुट कंट्रोल जो फुट कंट्रोलर है इसमें लिखा भी है। तो इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे मैं बता रही हूँ। देखिए पहले इसको हम लोग पावर में लगाएंगे। देखिए अभी मैं इसमें लगा रही हूँ इसको, उसके बाद पावर ऑन कर देते हैं। देखिए अभी ये ऑन में था तो ऑटोमेटिक पावर ऑन हो गया है, नहीं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इधर उसका स्विच है, देखिए मैं अभी ऑन कर रही हूँ इसको। तो देखिए अभी डिस्प्ले इधर शो कर रहा है आपका। तो इसमें अभी आप मार्क करिए कितने सारे हैं ऑपरेशन। तो इसमें देखिए फुट पैडल शो नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए मैं आपको और एक दिखाती हूँ, इसमें आप ये वाला जब केबल डालते हैं, देखिए फुट पैडल का जो है ये वाला पॉइंट आप डालेंगे मशीन में तो आपको इधर शो करेगा, जो फुट पैडल है वो आपको शो करेगा। तो उसके बाद क्या करना है, और एक चीज इधर देख लीजिए जो कि स्पीड कंट्रोलर है, इसमें आप बहुत ही स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम में रख सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो स्लो इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी है, तो वो वाला करने के टाइम पे जैसे स्पीड रहने से धागा टूट जाता है तो वो चीज नहीं होगा आपका। तो मैं अभी आपको सीविंग करके दिखाती हूँ कैसे आप इसमें से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए जो प्रेशर फुट को रखना है तो इस तरह से पैर रख के अभी इसको दबा रही हूँ। ये देखिए कितना स्लो हो रहा है, मैं फुल स्पीड में प्रेस की हूँ फिर भी वो बहुत ही स्लो है, आप देख सकते हैं फुल स्पीड में भी कितना स्लो है। अगर मैं छोड़ देती हूँ तुरंत बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड करती हूँ, देखिए जैसे बीच में, ज्यादा स्पीड नहीं है ज्यादा स्लो नहीं है, ऐसे रखी हूँ। तो अभी देखिए मैं फिर से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड है, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा अभी करके छोड़ूंगी इसको, एक ही साथ नहीं छोड़ना है आपको। ये देखिए, तो क्या अभी देखिए मैं फास्ट में रखी हूँ और अभी मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी कितना फास्ट होगा। ये देखिए मैं फुल स्पीड में की हूँ, अभी जैसे धीरे 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 इसको छोड़ेंगे ऐसे स्लो होते जाएगा, अगर आप पैर उठा लेते हैं तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको इसमें और एक एम्ब्रॉयडरी भी करके दिखाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ उसके नीचे पेपर डालती हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, तो इसीलिए हम लोग का जो पैटर्न होता है अच्छे से दिखते नहीं है, और कपड़ा क्या होता है सिकुड़ जाता है, तो इसीलिए जो डिजाइन होता है अच्छे से दिखते नहीं है। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूँ, ये देखिए। तो मैं अभी आप इसमें देख सकते हैं, देखिए मैं जो मोड 3 में चूज करूंगी, तो इसमें जो मोड लिखा है इसमें मैं चेंज करूंगी। अभी इसमें 3 हो गया है, देखिए इसमें 3 दिखा रहा है। फिर हमको जो भी इसमें से चूज करना हो, जैसे मैं अगर 62 देती हूँ तो 62। अभी इसमें देखिए 0.4 है, इसका स्टिच लेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो मैं अभी बढ़ाऊंगी थोड़ा। ये देखिए 0.8 हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है।
अभी देखिए मैं इसमें सिलाई करूंगी, तो एक फर्स्ट में है पूरा, तो मैं इसको मिडिल में रखूंगी। क्या होता है एम्ब्रॉयडरी करने के टाइम पे अगर आपका थ्रेड टूट जाए तो वो क्या होता है कि पैटर्न जो है बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता है, आधा आधा ऐसे टूटा हुआ दिखता है, और आप वो जो थ्रेड होता है उसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो फिनिशिंग से बहुत ही स्टिचेस होते हैं उसमें, तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। तो चलिए अभी देखिए मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं मिडिल में रखी हूँ, जो कि ज्यादा कम नहीं या ज्यादा नहीं स्पीड है उसका। आप जितना हो सके एम्ब्रॉयडरी को स्लो में करिए। देखिए अभी इसमें ऑटो कटर है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। देखिए थ्रेड कट गए, तो देखिए कुछ एम्ब्रॉयडरी इस तरह से दिख रहा है। आप देखिए इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी ऐसे दिख रहा है। अभी मैं पेपर डाल के करूंगी इसमें। अभी देखिए अभी फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं फुल स्पीड में मतलब जो प्रेशर कुकर को पूरा दबा के रखी हूँ। अभी आप इसकी जो है देखिए, ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं। देखिए इसका पैटर्न जो है कितना अच्छा है, और ये वाला देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सिकुड़ गया है। तो फ्रेंड्स ये था उषा ड्रीम मेकर 120 का फुट पैटर्न का डेमो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।